तो गाइस फाइनली इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का न्यू अपडेट आ चुका है, जहां पर हमें न्यू JCB, एक न्यू हमर यानी कि पिकअप ट्रक और एक न्यू पुलिस स्टेशन और काफ़ी नई चीज़ें आई हैं गाइस। तो ये सब आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो वीडियो चालू होने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चालू करते हैं हम लोग हमारी वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपने नोटिस करी होगी, न्यू अपडेट आप जैसे ही करते हो हमारे घर का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो चुका है गाइस। पहले ये पूरा वाइट हुआ करता था, लेकिन अब इसमें वाइट में भी काफ़ी डिटेल और शेडो टाइप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ के जो ग्राफिक्स है वो इम्प्रूव कर दिए गए हैं। फिर अगर आपको पुलिस स्टेशन की तरफ जाना है तो अपने घर से बाहर निकलना, और जैसे आप बाहर निकलोगे आपको ये नीले कलर की बिल्डिंग दिखेगी, और यही बिल्डिंग है हमारी न्यू पुलिस स्टेशन गाइस। तो इसके अंदर जाने के लिए आपको थोड़ा सा आगे जाना है, फिर लेफ्ट लेना है, फिर आपको ये छोटा सा गेट दिखेगा, यहाँ से आप अंदर हो लो और फिर आप पुलिस स्टेशन के अंदर जा सकते हो। अब भाई पुलिस स्टेशन जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ नहीं था, तो ये इस अपडेट में आने वाला नहीं था, लेकिन बहुत लोग की डिमांड थी इसलिए रोहित गेमिंग स्टूडियो ने इसको ऐड कर दिया। लेकिन अभी के लिए सिर्फ नीचे वाला फ्लोर ही ऐड हुआ है गाइस, और बाहर भी कोई गाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी पार्किंग वाले एरिया में। चलो फिर पुलिस स्टेशन के अंदर चलते हैं गाइस और देखते हैं कि अंदर क्या क्या बनाया गया है। तो पुलिस स्टेशन बाहर लिखा हुआ है अलग ही। जैसे आप अंदर आते हो यहाँ पे कुछ चेयर्स रखी हैं बैठने के लिए, लेकिन आप इसमें बैठ नहीं सकते हो। जेल हमारी बना दी गई है गाइस। जेल के अंदर अभी कैसे जाना है हमें नहीं मालूम, लेकिन देखेंगे। ये जो सीढ़ी आप देख रहे हो ना, ये सीढ़ी जाएगी हमारे ऊपर वाले फ्लोर की तरफ, लेकिन यहाँ पे अभी दीवार लगा के ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस। लेकिन अगले अपडेट में मेरे को लगता है कि ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप ऊपर भी जा पाओगे सीढ़ी से। जब तक के लिए दीवार ब्लॉक्ड रहेगी। फिर आपको चार यहाँ पे CCTV कैमरा देखने को मिल रहे होंगे, और CCTV ग्लिच तो हमने आपको बताया ही है हमारे MythBusters की वीडियो में, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे चार CCTV हमारे लग चुके हैं, इनको अभी कंट्रोल कैसे करना है हमें नहीं मालूम, या फिर हो सकता है ये अगले अपडेट में आ जाए। यहाँ पे पुलिस वालों के लिए कुछ चेयर्स रखी है, और इस साइड भी कुछ चेयर्स रखी है हमारे काउंटर पे। और ये अपडेट थोड़ा जल्दी लाया गया है, इसलिए जो काम होने वाले थे वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। जैसे कि हमारी जो रेंज रोवर है वो रिप्लेस होने वाली थी, वो अभी नहीं हुई है गाइस। जो न्यू ऑडी आने वाली थी वो नहीं आई है, लेकिन आपको देखने को मिलेगी अब एक न्यू हमर गाइस, एक न्यू पिकअप ट्रक जिसका चीट कोड है 8880, 3×8 फिर 10 गाइस। तो ये है वो हमर, और ये भाई काफ़ी अच्छी लग रही है, बिल्कुल एक मॉन्स्टर ट्रक जैसी भी लग रही है गाइस। पीछे इसके खाली जगह है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। तो चलो इसको चला के देखते हैं और देखते हैं कैसी चल रही है ये। चलने में तो मुझे काफ़ी सही लगी, बाकी कार्स की तरह ही है गाइस, और काफ़ी बड़ी कार भी है ना, जो नॉर्मल कार्स रहती है ना, ये देखो बिल्कुल फॉर्चुनर के आसपास के साइज़ की है गाइस। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ हमारी एक न्यू लोकेशन पे जो ऐड हुआ है। लोकेशन नहीं बोलेंगे वैसे उसको, एक न्यू रैंप बोल सकते हो, या फिर दो न्यू रैंप, जो कि काफ़ी यूनिक है गाइस। अभी तक ऐसे रैंप हमारे गेम में नहीं आए थे, तो इनको ढूंढने के लिए आपको जो रोल ऑन वाला रैंप है ना उससे सीधे जाना है। फिर वहाँ पे एक न्यू रैंप जो पहले ऐड हुआ था उसके जस्ट पीछे ये दोनों रैंप्स ऐड हुए हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला रैंप, जिसमें हमें पहली बार ऊपर की तरफ नहीं चढ़ना है। ये एक है ना पजल टाइप में रैंप है गाइस, पजल आपको सॉल्व नहीं करना, लेकिन बहुत ही आड़ा टेढ़ा जाना है। तो आपको इसके ऊपर एक बाइक लेनी होगी और फिर लेफ्ट राइट करके आपको इसको कंप्लीट करना है। कार से मुश्किल है थोड़ा, लेकिन तब भी मैं आपको एक बार ऊपर से नज़ारा दिखा देता हूँ कैसे दिखता है ऐसा। तो गाइस यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे टर्न्स मार के लेफ्ट राइट लेना पड़ेगा, तभी ये रैंप आप कंप्लीट कर पाओगे। फिर हेलीकॉप्टर से लेके चलता हूँ मैं आपको अगले वाले रैंप्स पे। अगर आपको देखना है कि ये रैंप मैं कंप्लीट करूँ तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, तो मैं आपको ये कंप्लीट करके भी दिखा दूंगा किसी और वीडियो में, क्योंकि इसमें यार हमें ऊपर चढ़ना है और उसमें यार काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर मैं इस वीडियो में आपको वो दिखाने लगा तो। इसलिए सीधे हम लोग चलते हैं हेलीकॉप्टर से। जैसे ही आप ऊपर पहुँचते हो रैंप के, तो आपको यहाँ से एक जंप लोकेशन मिलता है जिससे आप अपनी बाइक को उतार सकते हो, और ये मैं आपको ज़रूर करके दिखाऊंगा अभी। तो बस आपको बाइक लेनी है और फिर कूदा देना है, सीधा आप जा सकते हो शायद से नीचे वाले रैंप्स पे, लेकिन ये थोड़ा सा राइट साइड है। और यहीं से देख के मुझे याद आएगा इसकी हमारा न्यू कार शोरूम भी ऐड हो चुका है, तो चलो आओ वो देखते हैं। लेकिन वहां तक हम लोग जाएंगे हमारी न्यू JCB से, क्योंकि JCB बहुत लोगों को देखनी थी। तो JCB का चीट कोड है गाइस 6677। ये आ गई हमारी JCB, और JCB के कंट्रोल्स थोड़े अलग हैं, तो भाई इसको ध्यान से समझना जो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी अभी समझने वाला हूँ। तो पहली बात तो इसका जो एंटर करने का ऑप्शन है वो ऊपर की तरफ आता है हमारे स्लो मोशन वाले ऑप्शन के पास। फिर देखो आगे पीछे ये नॉर्मल चलेगी,
लेफ्ट राइट ये नहीं हो रही है गाइस। तो ये मुझे पता नहीं कि लेफ्ट राइट क्यों नहीं हो रही है, शायद से इसलिए ऐसा है क्योंकि मेरे पास जॉयस्टिक वाले कंट्रोल्स है। तो अगर आपको इसको लेफ्ट राइट करना ना तो आपको अभी टच वाले कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, तभी जैसे भी लेफ्ट राइट हो रही है, जॉयस्टिक में ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये बाद में फिक्स हो जाएगा वैसे अपडेट में, अभी के लिए आप ये कर लेना। अब जो हमारे सबसे नीचे वाले चार बटन है उसमें जो लेफ्ट राइट दिया है ना, उससे ये जो पीछे वाला है ना ये लेफ्ट राइट होता है गाइस। ये जो पीछे का पूरा हिस्सा है ना ये लेफ्ट राइट होगा। ऊपर नीचे करोगे तो ये पता नहीं कुछ स्टैंड जैसा है, इससे हमारी जेसीबी ऊपर उड़ जाती है। भाई मैंने जेसीबी रियल में चलाई नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये सब क्या होता है, वो सब हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो इससे ये खुलता है और बंद होता है ऊपर नीचे वाले से। अब हमारे जो राइट वाले बटन है इसमें जो ऊपर नीचे का है, इससे हमारा ये जो पीछे का हिस्सा है ये ऊपर नीचे होता है गाइस। जो हिल रहा है ना दिख रहा है आपको, देखो ये पूरा नीचे मैंने कर दिया, फिर अब ये पूरा ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, अब इसका जो खुलने वाला पार्ट है ना ये इसके नीचे वाले से होगा। ठीक है, तो इसका ये पूरा जो हैंडल है ये इससे खुलेगा ऊपर और नीचे की तरफ। फिर से अगर आपको वही वाला पार्ट खोलना है, भाई मुझे पार्ट्स के नाम नहीं मालूम, ठीक है, ये पीछे वाला जिससे कि मिट्टी उठाई जाएगी, तो वो आप कर सकते हो सबसे नीचे वाले ऊपर नीचे वाले बटन से गाइस। ठीक है, बहुत इजी है, वैसे बहुत इजी नहीं है, समझना पड़ेगा थोड़ा आपको। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोसेस की मिट्टी कैसे उठानी है आपको, और आगे वाले हिस्से का भी यही है। लेफ्ट वाले जो बटन से ऊपर और नीचे वाले, इससे पूरा हैंडल होगा, और नीचे वाले जो ऊपर नीचे वाले हैं उससे सिर्फ वो आगे वाला पार्ट ही होगा मूव। ठीक है, तो ये पूरा इसका प्रोसेस है गाइस। अब दिखाता हूँ मैं आपको हमारा न्यू शोरूम। ठीक है, तो हमारा जो कार शोरूम है ये पूरा चेंज कर दिया गाइस, इसके साइड में पेड़ भी ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो शोरूम है पहले मुझे लगता है ज्यादा बड़ा था, अभी थोड़ा छोटा कर दिया है, क्योंकि पहले इसमें दो हिस्से हुआ करते थे, अब सिर्फ एक ही हिस्सा, मतलब एक ही बड़ा सा कमरा है, दो कमरे से हटा दिए गए। कार से भी नहीं खड़ी है, मैं खड़ी करके दिखा दूंगा, मैंने अभी आरजे स्टूल डाला नहीं है। ठीक है, तो अंदर चलते गाइस। अंदर आपको पहले कुछ वो पट्टे दिखाई देते थे ना जिसके ऊपर कार्स रखी रहती थी, वो पता नहीं आने वाले थे लेकिन यार अभी शायद ऐड हुए नहीं है, या तो नेक्स्ट अपडेट में हो जाएंगे वो। फिर अगर आप सीढ़ी से ऊपर आते हो तो अब आपको बीच में कांच देखने को नहीं मिलेगा, ये देखो कांच का वो भी दिख रहा है शेडो जो पहले लगा था। यहाँ पे आधा वाला हिस्सा है, मतलब हाफ है हमारा, यहाँ से आगे जाओगे तो सीधे आप वहाँ से नीचे उतर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे कार्स लानी है तो बस आपको आरजीएस टूल में जाके कार स्पेस या बिना स्पेस के बाय लिख देना है तो कार्स आ जाएगी, लेकिन लोड नहीं होगी, पहले आपको थोड़ा दूर जाके वापस आना पड़ेगा, तो वही मैं अभी करता हूँ। ये आ गई हमारी सारी शोरूम की कार्स गाइस, लेकिन भाई ये वही सारी पुरानी कार्स आएंगी जो पहले भी रहती थी, और इस साइड भी तीन रहती थी, लेकिन पता नहीं एक कार अभी ऐड हुई नहीं है, तो ये शायद अभी ग्लिच होगा, ये अपडेट में फिक्स होना चाहिए अगले वाले, क्योंकि यहाँ पे भी एक और लैम्बोर्गिनी खड़ी रहती थी, वो अभी गायब दिख रही है। फिर आरजीएस टूल में अभी हमें जितनी चीज़ें मालूम चली है उसमें से एक है हाउस कलर आरजीबी। अब आप करोगे तो आरजीबी का जो पैटर्न है ना ये पहले से काफ़ी अलग आएगा, पहले अलग पैटर्न आता था, अब हाउस कलर में काफ़ी अलग आरजीबी पैटर्न आएगा। और हमारी जो स्कॉर्पियो रहती थी 333 और 444 वाली, वो पहले आरजीबी नहीं होती थी, तो इस अपडेट से गाइस वो भी आरजीबी होगी और काफ़ी अलग टाइप में आरजीबी होती। तो ये थी हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक 333 वाली, और 444 को भी मैं आपको करके दिखा देता हूं जो हमारी S11 है, ये भी हो जाती है। और भी आरजीएस टूल में और नई नई चीजें हमें जैसी मालूम चलती है मैं आपको अगली वीडियो में वो बता दूंगा गाइस, जैसे कि हमारा पुलिस सायरन भी शायद ऑन ऑफ हो सकता है तो वो भी हम बता देंगे। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। जेल के अंदर मैं कैसे आया ये जानना हो तो ये भी आपको मैं बता दूंगा। वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी पिछली वीडियो देखनी हो आपको इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।